पंचकोशी यात्रा रविवार को नर्मदे हर और श्री नवग्रह महाराज के जयकारों के साथ नवग्रह मंदिर से शुरू हुई। हजारों पंचकोशी यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। श्री नवग्रह मंदिर से प्रातः ओंकार ध्वज पूजन, मां नर्मदा व नवग्रहों की पूजा अर्चना के बाद मुख्य ध्वज वाहन नर्मदे हर बाबा के सानिध्य में अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर गूंजते जयकारों और धार्मिक भजनों से वातावरण धर्ममय बना रहा। यात्रा में जिले सहित प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के युवक युवतियां, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हुए। यात्रा में श्रद्धालु रोजाना 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान लगभग 20 गांवों की सीमाओं से होकर गुजरते हुए 11 धार्मिक स्थलों पर पूजन करेंगे। यह यात्रा पौष अमावस्या पर वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। पंचकोशी यात्रा नवग्रह की 16 वर्षों से निकल रही है, जो 5 दिवसीय यात्रा है और लगभग 20 ग्रामों से होती हुई यात्रा जाएगी 20 ग्रामों में। और यात्रा का जो है उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश निमाड़ क्षेत्र और राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए यात्रा निकाली जा रही है। जिस प्रकार से नवी ग्रह जो है वो उनको बलवान करना और उनकी मनोकामना करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। मनुष्य के जीवन में भी जो है वो नवी ग्रह अगर अच्छे होंगे तो वो खुशहाली का जीवन व्यतीत करेगा। और उसी प्रकार हम सभी भगवान नवग्रह से कामना करते हैं कि हमारे नवी ग्रह प्रबल हो और हमारा देश राष्ट्र सुख समृद्धि की ओर अग्रसर हो। 2008 से यह यात्रा चालू हुई है, जो निरंतर जो चालू हो रही और रही है। इसमें जो है लगभग कई जिलों से यात्री आते हैं और लगभग 4-5 हजार की संख्या में यात्री शामिल हुए हैं। क्या नाम लिखा? राजेंद्र कुमार शर्मा, सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।